अस्सलाम वालेकुम। अब इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि आप स्क्रैच सॉफ्टवेयर डाउनलोड किस तरह से करेंगे। स्क्रैच डाउनलोड पर लिंक लिखें सर्च बार पर, तो फर्स्ट लिंक आएगा आपका स्क्रैच ऑफलाइन एडिटर, इस पर क्लिक कर दें। ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं ऑलरेडी। इंस्टॉल स्क्रैच डेस्कटॉप, डाउनलोड स्क्रैच डेस्कटॉप, ठीक है। आपके लैपटॉप पे सिस्टम्स पर आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद रन डॉट एग्जी फाइल। सेकेंड स्टेप होगा रन द डॉट एग्जी फाइल, ठीक है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो ये आप रन कर देंगे, उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। और किस टाइप की इसकी आईडी खुलेगी देखें, स्क्रैच स्क्रैच डेस्कटॉप, ठीक है। ये मेरा इंस्टॉल हुआ हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर है, बहुत लाइट वेट है और इस पर आप बहुत आसानी से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। मगर ये ऑनलाइन नहीं है, ठीक है। इसमें कोई भी फीचर ऐसा नहीं है जो ऑनलाइन आपको शो हो। इसके जस्ट आप प्रोग्राम्स बनाएंगे, यानी ऑफलाइन विदाउट इंटरनेट, और इसमें जितना भी काम करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है प्रोग्राम्स की, ये सब कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन के लिए आपको वही ऑनलाइन जो मैंने आपको बताया था वो यूज़ करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर भी देखें फाइल ऑप्शन है, मेन्यू है, देखें न्यू लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर। कोई भी प्रोग्राम आपने सेव किया हुआ है वहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं, सेव टू योर कंप्यूटर। कंप्यूटर में कहाँ सेव करना है इसे, एडिट, एडिट में जाइए, टर्न ऑन टर्बो मोड, दो मोड्स हैं इसके, टर्न कर सकते हैं आप। रिस्टोर करना है, अगर कुछ चेंजेस करवाई हुई है तो रिस्टोर यहाँ से करेंगे आप। ट्यूटोरियल चेक करना है तो ये ट्यूटोरियल पर क्लिक करें और ये ट्यूटोरियल्स आप देख लें। इसमें सारी प्रैक्टिस, इन ट्यूटोरियल से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सारे ट्यूटोरियल्स हैं और सर्च भी कर सकते हैं इसे। स्क्रैच प्रोजेक्ट है, इसका नाम आप चेंज करेंगे यहाँ पर टाइटल से, ठीक है। एक कोड इन्वायरमेंट है, आईडी है इसका, ये पूरा कोड है। कॉस्ट्यूम है, कॉस्ट्यूम आप चेंज कर सकते हैं। कॉस्ट्यूम इसे कहते हैं, सिर्फ इसके कपड़ों को या इसके कलर्स को नहीं कहते हैं, इसके इसका स्टाइल जो है इसको भी कॉस्ट्यूम ही कहेंगे, ठीक है। ये पूरा टोटली कॉस्ट्यूम है, कॉस्ट्यूम वन कॉस्ट्यूम टू, इस तरह से अगर ये कॉस्ट्यूम है इसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि अपने खुद चेंज कर सकते हैं अपने हाथों से। इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं, देखें कुछ टूल्स हैं, ब्रश है इसके अंदर, पेन ब्रश है, पेन बकेट है, लाइन है, रेक्टेंगल है, देखें रेक्टेंगल इस तरह से, और डिलीट आप प्रेस कर दें की से तो डिलीट हो जाएगा। और ये है ऑप्शन, अगर हमने लाइन क्रिएट की है उसके बाद इसे क्लिक करेंगे तो देखें हमारे पास नोट्स आ जाएंगे, जहाँ से हम इसे खुद कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, मैनेज कर सकते हैं। ये रबर है, इरेजर, इसे हम डिलीट कर सकते हैं, देखें डिलीट हो गया। टेक्स्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं जो भी है, ए स्टाइल, अच्छा ये वाइट है, और इसकी आउटलाइन और फिल कलर भी सही नहीं दिया हुआ था इसलिए नहीं आ रहा था, ठीक है। ए स्टाइल लिखा है मैंने तो यहाँ अपीयर हो रहा है, ये प्रीव्यू विंडो है, ठीक है। और ये है सर्कल, ये सारी चीज़ें हैं, कस्टम कर सकते हैं अपने करेक्टर को। ये सारा ये करेक्टर है, इसे कहते हैं स्प्राइट, ठीक है। ये जो करेक्टर है ये यहाँ इस विंडो में शो होता है, ये स्प्राइट विंडो है। ये स्टेज विंडो है, स्टेज मीन्स बैकग्राउंड, बैकग्राउंड आपके करेक्टर के पीछे जो बैकग्राउंड आएगा उसे कहते हैं स्टेज, ठीक है। दिस वन इज साउंड, आप अपने करेक्टर के लिए जो भी साउंड सजेस्ट करें, वैसे जो भी करेक्टर आप सेलेक्ट करेंगे उसके साथ उसकी बिल्ट इन साउंड डायरेक्टली आ जाएगी। देखिए इसको प्ले करें, इसमें कैट की साउंड आ रही है, इसी तरह इसकी ऑलरेडी साउंड आती है। अगर आपको कुछ और साउंड
सिलेक्ट करना है, तो यहाँ इतने ऑप्शंस हैं, यहाँ से आप कोई सी भी साउंड सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और ऑप्शन है कि चूज अ साउंड, रिकॉर्ड योर साउंड, अपनी साउंड रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं आप, ठीक है। और ये सारे ऑप्शंस हैं, और अपलोड भी कर सकते हैं आप कोई सी भी साउंड आपके सिस्टम पर, आप इसे इस जगह से जाकर अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, स्प्राइट है, ये कैट की स्प्राइट है, ठीक है। स्प्राइट मीन्स कैरेक्टर। अगर हम इसे डिलीट कर दें तो देखें ये जो फर्स्ट ब्लॉक है ये पूरा एम्प्टी हो जाएगा। अगर हम यहाँ से एक और चूज़ करें, देखें मैंने ये चूज़ कर दिया, इसे चूज़ करने से क्या होगा, मोशन में सारे ब्लॉक्स आ गए, ठीक है। ये है आपका करेक्टर। और ये जो स्टेज है, अगर आप चाह रहे हैं कि ब्लैंक नहीं हो, इसके अंदर कोई इन्वायरमेंट हो, तो हमने ये बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये है, ओके। अच्छा, अब जो है इसको डिटेलिंग, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इसको डिटेलिंग नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।